The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। ये है आपका चैनल, इसमें हम हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में वीडियोस बनाते हैं और ये एक सीरीज सी शुरू हो गई है कि हाउ टू कीप योर किडनी फिट, फिर हाउ टू कीप योर लिवर हेल्दी, हाउ टू कीप योर हार्ट हेल्दी। हमने ये सब पे वीडियो बनाए हैं कि हाउ यू आर डैमेजिंग योर किडनीज लिवर हार्ट। अब बारी आई है आपकी लंग की। भाई लंग भी इम्पॉर्टेंट है, लंग्स तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्लू के सीज़न में। सो इसीलिए कुछ बातें आपको जानना ज़रूरी है कि आप कैसे अपने ही साथ अपने कम्युनिटी के लंग्स फेफड़े इनको ख़राब कर रहे हैं। इस पे डिस्कस करते हैं कि 7 ways जिससे आप अपने लंग्स को बचा सकते हैं या ख़राब कर रहे हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं। ये बात करते हैं और ऑब्वियसली इसमें कोई अचंभित करने वाली बात नहीं होगी कि नंबर 1 पे जो रीजन होगा वो है स्मोकिंग। जी हाँ, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इवन टोबैको च्यूइंग, वो भी लंग्स खराब करता है। स्मोकिंग टोबैको या स्मोकिंग में, सिगरेट में 7,000 से भी ज़्यादा ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसर प्रमोट करते हैं, कार्सिनोजेंस हैं और ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं जो लंग डिस्ट्रॉय करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कार्बन पार्टिकल्स उसमें डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब अति तरीके से आपके लंग्स को बर्बाद कर देते हैं। इस पर फुल डिटेल वीडियो है हमारा स्मोकिंग के ऊपर कि कैसे स्मोकिंग एक एक करके आपके ना सिर्फ लंग्स बल्कि बॉडी के हार्ट, ब्लड वेसल्स और बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। तो स्मोकिंग इज नंबर 1 रीज़न। आप अगर स्मोक करते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो एक ग्रुप ज्वाइन करिए, डॉक्टर से बात करिए। निकोटीन इज द मेन इंग्रेडिएंट जिसके वजह से, निकोटीन के वजह से आपको एडिक्शन होती है। सो निकोटीन च्यूइंग गम्स ट्राई कर सकते हैं, राइट, एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं, स्मोकिंग छोड़िए, वो बहुत ज़रूरी है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो है सेकेंड हैंड स्मोकिंग। जी हाँ, स्मोकिंग से भी ज़्यादा ख़तरनाक है सेकेंड हैंड स्मोकिंग। जो स्मोकिंग करते हुए धुआं बाहर छोड़ते हैं, आपके दोस्त यार, रिश्तेदार, फैमिली वाला अगर कोई स्मोक करता है और वही स्मोक आप अपने अंदर ले रहे हैं, सो वो सेम और उससे ज़्यादा डैमेज हो रहा है आप ही के अंदर, लिटरली उससे ज़्यादा। सो सेकेंड हैंड स्मोक से आप बचें, लोगों को स्मोक ना करने दें अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द। और तीसरा बड़ा रीज़न जो है वो है आउटडोर पोल्यूशन। जी हाँ, आउटडोर पोल्यूशन बोलने की बात ही नहीं है, दिल्ली में रहने वालों को सब पता है और बाकी भी इंडिया में सब जगह का हाल ख़राब है आउटडोर पोल्यूशंस में। अब वो क्यों हो रहा है वो सब जानते हैं। भी आप अपने कार इंजन्स को कम चलाओ, कम बार चालू करो और जहाँ पर बंद हो सकते हैं वहाँ बंद करो, बाहर खुले में आग मत लगाओ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और पेस्टिसाइड्स जो स्प्रेज हैं अपने गार्डन में, अपने लॉन्स में, कम से कम छिड़को, ना छिड़को, छिड़को भी तो नेचुरल वाले जो नहीं है हार्मफुल, राइट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए, पैदल चलो, साइकिल चलाओ आसपास के लिए, छोटी सी जाने के लिए कार मत यूज़ करो, अकेला अकेला बंदा कार में मत घूमो, राइट, ये तो है ही इम्पॉर्टेंट। लेकिन आउटडोर पोल्यूशन से बचने के लिए आपको घर में बैठने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट इज़ कि आउटडोर में पोल्यूशन, जो मेन पोल्यूशन होता है वो ट्रैफिक्स में होता है, मेनली जहाँ ट्रैफिक होता है वहाँ होता है। सो जब भी आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, मेक श्योर करिए कि आइदर आप एक क्लोज्ड कार में हो, क्लोज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, या फिर आप अगर खुले में बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, कार में हो, रिक्शे में हो, जो भी है, अगर खिड़की खुली है तो मेक श्योर यू कवरिंग योर नोज, नाक और मुंह को आप कवर करके रखिए अगर पोल्यूटेड एरिया में है, खासकर ठंड के मौसम में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यू हैव टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑल्सो। यही ले जाता है हमें अपने चौथे कारण में, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शन होगा अगर लंग्स में तो लंग खराब होंगे, बार बार इन्फेक्शन, लंग खराब, निमोनिया से लेके सिंपल कोल्ड, स्वाइन फ्लू, कोल्ड भी फ्लू है फ्लू और स्वाइन फ्लू भी फ्लू है, तो ये दोनों भी आपके एयर ड्रॉपलेट से होते हैं, राइट। स्वाइन को की वजह से, वो स्वाइन को टच करने से वजह से नहीं होता, स्वाइन फ्लू इज ऑल्सो अ फ्लू, बेसिकली छींकता है कोई स्वाइन फ्लू वाला पेशेंट तो मॉइस्चर में सारे वायरसेस घूमते और आप आसपास से गुजरे तो आपके अंदर
गया. सो इसलिए जब भी आप क्राउड में हैं, अगर आप क्राउडेड एरिया में और फ्लू सीजन है, तो क्राउड से बचो, क्राउड से दूर रहो. कि क्राउड में हो सकता है लोगों को किसी ना किसी को, भाई 200 से ज़्यादा फ्लू वायरसेस हैं, कोई ना कोई वायरस किसी ना किसी को फ्लू होगा, आपको हो जाएगा, तो क्या करोगे, राइट? तो क्राउड से बचें. दूसरा, ओरल हाइजीन रखें, राइट? तीस, क्योंकि ओरल डेंटल गम प्रॉब्लम होगी तो वहां से इन्फेक्शन अंदर जा सकता है. जी हाँ, गले में हो सकता है, खांसी हो सकती है, और गले से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से लोअर में जा सकता है, तो लंग खराब हो सकते हैं. वॉश योर हैंड्स विथ सोप, आपने हाथ अच्छे से धोइए. हाथ बार बार कहीं गलत जगह लगा के आपने ऐसे ऐसा कर दिया और जय हो, वो वापस इन्फेक्शन चला जाएगा. सो दैट इज ऑल्सो वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें, राइट? आप वैक्सीन लगा सकते हैं. अगर हर साल फ्लू की वैक्सीन आती है, जो स्वाइन फ्लू और डेंजरस टाइप्स ऑफ फ्लू के लिए काम करती है, इसके ऊपर भी हमारा एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी है. वैक्सीन्स, फ्लू शॉट बोलते हैं उसे, वो जरूर देखिएगा. और अगर खुदा ना खास्ता बीमार हो गए, आपको फ्लू हो गया, सिंपल कोल्ड से लेके इवन जो भी फ्लू हो गया, तो आप घर में रहिए, स्टे होम, बाहर जाके लोगों को मत फैलाइए, डॉक्टर से जरूर मिल लीजिए एक बार. बाकी रेस्ट एट होम, टेक अ लॉट ऑफ वाटर, कोल्ड पे कैसे ट्रीटमेंट करना है, कोल्ड पे डिटेल वीडियो जरूर है हमारा, जरूर देखिए. सो आउटडोर में ये मैनेजमेंट हो गया, इन्फेक्शन प्रिवेंट करना चौथा रीजन. पांचवा रीजन, ऑब्वियसली इसके लिए ही आपको हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा. रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएंगे तो पता चलता रहेगा कहीं आपकी लंग्स में वैसी कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्यूबरकुलोसिस या कोई और ऐसी बीमारी पुरानी पहाड़ से आपको मिल गई, लग गई, कहीं से कुछ लग गया, या अस्थमा हो रहा है, या COPD हो रहा है, या कुछ हो रहा है. बट बहरहाल चलने फिरने भी सांस फूलता है, तो हार्ट और लंग रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना जरूरी है एक उम्र के बाद, 40-45 के बाद जरूर कराइएगा. और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि छठा इंपॉर्टेंट रीजन है लैक ऑफ एक्सरसाइज. अगर आप एक्सरसाइज ही नहीं करते तो एक्सरसाइज के बगैर आपके लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है. आप एक्सरसाइज करते हो तो बढ़ जाती है, एंड लंग का रेजिस्टिव पावर बढ़ जाता है, हेल्थी बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, उसकी हीलिंग पावर बढ़ जाती है. तो रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ब्रीदिंग डेप्थ बढ़ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आता है इनसाइड द हाउस. जी हाँ, इनसाइड द हाउस ऑल्सो आपको पोल्यूशन से बचना है. और इनसाइड द हाउस किस चीज से बचना है? नंबर वन, आपको मॉइस्चर कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर घर के अंदर बहुत ही ज्यादा अति मॉइस्चर, जैसे कूलर्स जो चलाते हैं हम ठंड में, अगर बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो जाए तो मॉइस्चर में वायरसेस बहुत जल्दी फैलते हैं, राइट? नंबर दो, अगर मान लीजिए घर के जो बड़े बड़े अप्लायंसेज हैं, ACs हैं, आपके फर्नेसेज हैं, या कोई एयर कंडीशनिंग है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग यूनिट, उसको रेगुलरली चेकअप कराइए उसका, क्योंकि वहां पे अगर कोई भी फंगल या कोई एस्परगिलस इन्फेक्शन बैठ गया और वो भाई साहब पूरा फैला दिया उसने, तो वो पूरे घर को ऐसी तैसी कर देगा. सो मेक श्योर करिए कि वहां से इन्फेक्शन ना फैले, उसकी रेगुलर मेंटेनेंस हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है. और घर के अंदर ऑब्वियसली सफाई तो सभी करते हैं, तो मेक श्योर सारे सर्फेसेस क्लीन हो, राइट? डस्ट नहीं हो, और वेंटिलेशन बहुत जरूरी है. घर के अंदर हवा आ रही है तो जाने का भी रास्ता हो, वेंटिलेशन प्रॉपर होता है रहना चाहिए घर में, ये इंपॉर्टेंट है आपका इंडोर प्रोटेक्शन, राइट? इसी तरह से अगर कहीं आप कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन के आसपास काम कर रहे हैं, रह रहे हैं घर पे, कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, या माइनिंग करा रहे हैं, माइन वर्कर हैं, तो उस सिचुएशन में आपको स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्टिव क्लोथ्स, हेलमेट माइन वाइन में, और इवन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मास्क पहनना बहुत जरूरी है. मास्क नहीं तो वो सारे वहां पे हैवी मेटल्स होते हैं, ये होता है, तो उनका एक्सपोजर, डस्ट, एस्बेस्टॉस, ये वो चीजें को एक्सपोजर आपके लंग्स के लिए अच्छा नहीं है, धूल बहुत ज्यादा होती है. तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आपको मेक श्योर करना है नाक मुंह ढका हो, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनी हो. इवन कुछ टाइप्स के डस्ट पार्टिकल्स अगर स्किन पे लग जाए तो इरिटेशन, आपको स्किन खराब हो सकती है, दिक्कत हो सकती है. सो ये प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है. और बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट आपको बता रहे हैं कि जब भी आपको पता, देखिए फ्रेश एयर बतानी नहीं पड़ती, आपको महसूस हो जाएगी कि वाह क्या फ्रेश एयर है. जब आप किसी नेचुरल एरिया जहां बहुत ज्यादा ग्रीनरी है वहां जा रहे हैं, तो मेक श्योर करिए अच्छी फ्रेश एयर मिले तो डीप ब्रीथ करिए. जब भी मौका मिले अच्छा फ्रेश एयर है, डीप ब्रीथ करिए. डीप ब्रीदिंग इज वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर लंग्स, उससे आपके लंग्स हेल्दी रहेंगे. इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो हेल्दी लंग्स रहेंगे, लंग्स खराब नहीं होंगे, और भाई साहब आपको खांसी नहीं आएगी, उल्टी सीधी चीजें, लंग्स, बुढ़ापे में आप सुखी रहोगे. सो ये हुई बात दोस्तों लंग्स को प्रोटेक्ट करने की, कैसे आप अपने लंग्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. मेक श्योर बाकी के भी एपिसोड देखें, अपना लिवर, हार्ट,
किडनी, इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है वो ज़रूर जाके चेकआउट करिए वीडियोस और इसे शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर फैमिली, ऑफ योर चिल्ड्रन। आई एम डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। कल फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।